क्या नाम है आपका, और आज जो होली हो रही है क्या उद्देश्य है इसका, लड्डू क्यों फेंके जाते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होली का अगर नाम आए और बरसाना का नाम हो कैसे संभव है। होली ब्रज में सबसे पहले बरसाना में खेली जाती है, और आपने रंगों की होली देखी होगी, फूलों की होली देखी होगी, लेकिन आज ये होली खेली जा रही है वो है लड्डुओं की होली। लड्डुओं की होली ये कैसे पड़ी मैं आपको इस बारे में बताऊं कि सबसे पहले गोपियों यहाँ से बरसाना से निमंत्रण जाता है श्री कृष्ण के लिए कि ठाकुर जी आप राधा रानी के साथ बरसाना में होली खेलिए। तो होता ऐसा है कि नंदगांव यहाँ से निमंत्रण गया है सुबह, उसकी स्वीकृति नंदगांव से मिल गई है कि ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ कल लठामार होली खेलने के लिए आएंगे, और पांडा यहाँ पे आया हुआ है, उसको लड्डू खिलाए गए और पांडा इतना खुश हो गया कि उन लड्डुओं को खा भी रहा है, उन लड्डुओं को श्रद्धालुओं की तरफ लुटा भी रहा है। ये यहाँ की होली है, और ये होली विश्व प्रसिद्ध है। देखते यहाँ पे टनों लड्डुओं की बरसात मंदिर प्रांगण में हो रही है, और सभी उन लड्डुओं को खा भी रहे हैं, और आपस में श्रद्धालु लड्डुओं को भी लुटा रहे हैं। ऐसी यहाँ की होली है, कल उस यहाँ पे ही लठामार होली खेली जाएगी। क्या नाम है आपका? लड्डू का प्रसाद लेके जा रही है, क्या कहेंगी? लड्डू आप जा रहे हैं, क्या कहेंगे? गुलाब से भी हो रही है, क्या कहेंगे? तो यहाँ के लिए कोई शब्द ही नहीं है, ये बैकुंठ है, यहाँ के लिए देवता भी आने के लिए तरसते हैं, ये हमारा सौभाग्य है, कभी हमें जगह देना। तो ये हम यही कहना चाहेंगे, सभी भक्ति कर आइए, लड्डू होली का आनंद लीजिए, और लठामार होली है तो बैरियर और बैरिकेडिंग सुनिश्चित करी जाए, जिससे लोगों को सुगमता से दर्शन भी हो सके, प्रसाद भी प्राप्त हो सके और होली का वो आनंद भी ले सके। मैं सभी दर्शकों को भी लड्डू मार होली की और आगे आने वाले दिनों में लठमार होली और होली के सभी रंगों से आगे उनका जीवन रहे, खुशियां लेकर ये त्यौहार आए, उसकी शुभकामनाएं भी देते हैं। जिलाधिकारी के तौर पर आप कैसी होली है? बहुत ही अलग अनुभव है, क्योंकि ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है, और ये किसी एक रूप में नहीं, अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। जहाँ पे बरसाने में हम लड्डू मार और लड्डू मार देखते हैं, तो वृंदावन में हम रंगोली एकादशी देखेंगे, दाऊ जी में होलिका देखेंगे। तो ये अलग अलग रूप में ये उत्सव पूरे माह तक चलता है, और इससे जो जोश और रंग सबके जीवन में आता है, बहुत ही अद्भुत और अनूठा अनुभव है।